अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया खान किचन। मैं हूँ सोनिया खान। आज मैं अपने किचन में आपके लिए बना गई हूँ चाइनीज़ चिकन फ्राइड राइस। ये बहुत ही अच्छे मज़े के लगते हैं, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रेसिपी शुरू करते हैं हम। इसके लिए हमें चाहिए है चावल, बासमती राइस है, ये हमने लिए हैं 3 पाव। इनको हमने बॉईल कर लिया है। इसको हमने बॉईल करते टाइम नमक डाला था पानी में, और साथ ही 1 चम्मच हमने सिरका डाला था ताकि हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले रहें, और 2 चम्मच हमने इसमें घी डाल दिया था। तो हमने इनको बॉईल कर लिया है। चिकन हमने लिया है 1/2 kg। इसके भी हमने छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए हैं। हरी प्याज है, ये हमने लिए है 1 कप, 1 प्याली ली है। मटर हमने लिए आधी प्याली। गाजर ये भी हमने आधी प्याली ली है। शिमला मिर्च ये हमने 1 प्याली ली है। बंद गोभी ये भी हमने 1 प्याली ली है। इनको हमने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है सब चीज़ों को। लहसुन का पेस्ट है, लहसुन को हमने मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया है 1 चम्मच है ये। सॉल्ट हमने लिया है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चाइनीज़ सॉल्ट है 1 टीस्पून, सोया सॉस हमने लिया है 3 खाने के चम्मच। ये सिरका है, ये हमने लिया है 1 टीस्पून, रेड चिल्ली सॉस है ये हमने लिया है 2 टीस्पून, अंडे हमने लिए हैं 2 अदद, आधी प्याली हमने ऑयल डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें सबसे पहले लहसुन डालेंगे। लहसुन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे इसमें। चिकन का कलर देखिए चेंज हो चुका है। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे एक एक करके। तमाम सब्जियां डालते जाएंगे। बंद गोभी हमने डाल दी है। अब हम इसमें मटर डालेंगे। गाजर हमने डाल दी है। अब हम इसमें हरी प्याज डालेंगे। साथ ही में हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे। अब हम इन तमाम सब्जियों को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। दो मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। अब हम इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे। साथ ही में चाइनीज नमक हमने डाल दिया, सॉल्ट, सिरका ये भी हमने डाल दिया है, सोया सॉस ये भी हमने इसमें डाल दिया। साथ ही में हम इसमें चिल्ली सॉस भी डाल देंगे। अब इनको हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब तक कि हमारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं, हम अंडों को फेंट लेते हैं। ये 1 पिंच हमने फूड कलर लिया है, ये मिला के हम इसको फेंट लेते हैं अच्छे तरीके से। नॉन स्टिक फ्राई पैन हमने ले लिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम जल्दी जल्दी तोड़ के इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब हम इसके छोटे छोटे से पीसेस बनाते हैं।
ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें ये अंडे शामिल कर देंगे। अब हम इनको मिक्स करने के बाद इसमें राइस डाल देंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारे चाइनीज राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमने चावलों को फुल बॉईल कर लिया था पहले ही। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए कितने खिले हुए, कितने खूबसूरत शक्ल के तैयार हुए हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। हमारे ज़बरदस्त से डिलीशियस चाइनीज़ फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर जिन्होंने मेरे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे नए व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।